क्या आपने दुनिया के सबसे छोटे बंदर के बारे में सुना है, जिसकी की लंबाई मात्र आपके फिंगर के बराबर होती है, जिसे की खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। और ऐसे ही जानवर चूहा और सांप जिसके बारे में किसी ने सोची ना होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसे ही दुनिया के छोटे जानवरों के बारे में, जिनके बारे में आपने ना ही सुना और ना ही कभी देखा होगा। नंबर वन, पिग्मी मार्मोसेट। ये एक बंदर की सबसे छोटी प्रजाति है, जिसे फिंगर मंकी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका साइज लगभग एक अंगुली के बराबर होता है। और ये मंकी कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, पेरू और बोलिविया के जंगलों में पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे छोटे मंकी हैं, जिसकी लंबाई लगभग 14 से 16 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन लगभग 100 ग्राम होता है एंड इनकी पूंछ लगभग 18 सेंटीमीटर तक होती है। ये ऐसे देखने पर नॉर्मल बंदरों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ही होशियार और थोड़े से गुस्सैल जैसा होते हैं। पिग्मी मार्मोसेट को लोगों को अपने घरों में पालने में बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में इनको पालते हैं और इन्हें खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। नंबर टू, जर्ज बोवा। ये एक चूहा की प्रजाति है जो पूरी दुनिया में सबसे छोटा चूहा है। ये चूहा ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और ये पूरी तरह से बढ़ने के बाद भी 4.5 सेंटीमीटर तक ही बड़े हो पाते हैं, और इनकी पूंछ इनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है, जो लगभग 3 इंच की होती है। इनके पैर कंगारुओं के जैसे होते हैं, जो इस पैर की मदद से बहुत ऊंचे तक उछल पाते हैं। इनके असल में 4 पैर होते हैं, मगर ये अपने पिछले 2 पैर का ही ज्यादा यूज करते हैं। इसे अक्सर लोग 2 पैरों वाला चूहा भी समझ लेते हैं। ये चूहे देखने में बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, जो कि काफी फुर्तीले होते हैं, बट इनकी लाइफ सिर्फ 2 साल की होती है, और ये पूरी दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं, जिससे ये और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। नंबर 3, एट्रू स्कैन स्रे। इस नन्हे से जानवर के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, जिसे की सफेद दांतों वाला पिग्मी स्रे भी कहा जाता है। ये चूहे जैसा दिखने वाले नन्हे से जानवर मलेशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जो कि वजन के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा प्राणी है, क्योंकि इसका वजन सिर्फ 2 ग्राम होता है, जिसे कि आप अपने शरीर पर भी फील नहीं कर पाओगे। और ये अपने वजन का एक दिन में लगभग 2 गुना खाना खा लेता है। इसके बारे में जानने के बाद आपका दिल भले ही धड़कना बंद कर दे, मगर इस जानवर का दिल बहुत ही तेज धड़कता है, जो कि एक मिनट में लगभग 800 बार धड़कता है। क्या अब आपका दिल धड़का? गाइस, अगर वीडियो देखने में अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 4, स्लेंडर ब्लाइंड स्नेक। ये स्नेक दुनिया के सबसे छोटे स्नेक होते हैं, जो कि ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये एक केंचुए की तरह दिखते हैं, जो काले या भूरे रंग के होते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है, जो कि अब तक बताए जा रहे सभी जानवरों से लंबे लग रहे होंगे, लेकिन ये उनके शरीर के मुकाबले ये स्नेक बहुत ही छोटे हैं। इनका शरीर काफी लचीला होता है और इनमें मुड़ने की क्षमता गजब होती है। और मजेदार बात तो यह है कि इस स्नेक से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें जहर नहीं पाया जाता है। नंबर 5, बी हमिंग बर्ड। इस पक्षी के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। ये दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया होती है, जो क्यूबा के घने जंगलों में पाई जाती है, जिसकी लंबाई मात्र 4.7 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन लगभग 1.94 ग्राम तक होता है। ये बर्ड पूरी दुनिया में अपने साइज को लेकर सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि यह सिर्फ एक मधुमक्खी से साइज में थोड़ा बड़ा होती है। ये बाकी सभी हमिंग बर्ड्स की तरह अच्छी उड़ान भर लेती है, लेकिन आप इसके बारे में एक बात जानकर चौंक जाओगे, क्योंकि यह हमिंग बर्ड अपने पीछे के तरफ भी उड़ सकती है, और यही नहीं, यह अपने लेफ्ट राइट भी उड़ सकती है, और ये एक दिन में 1500 फूलों के ऊपर घूमती हैं, और इनका घोंसला इनके ही आकार का होता है। यह हमिंग बर्ड छोटा होने के कारण हवा में बहुत तेजी से उड़ पाती है। और हाँ गाइस, क्या आपने इन सभी एनिमल्स में से किसी भी जानवर को देखा है, और आपको इनमें से सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके इन सभी छोटे जानवरों के बारे में। और मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।